हाय फ्रेंड्स, मैं हूं आपकी दोस्त प्रीति। आपके साथ आज हम बनाएंगे गेहूं के आटे से चकली। आइए शुरू करते हैं। इसके लिए मैंने यहां पर लिया है 2 कप गेहूं का आटा। गेहूं के आटे को हमें पहले बफाना है। इसके लिए मैंने यहां पर एक साफ कपड़ा लिया है। इस पे हम डालेंगे आटा। आटे को हम कपड़े में इस तरीके से अच्छे से टाइट बांध देंगे। अब मैंने यहाँ पर एक कुकर लिया है। इसमें हम डालेंगे थोड़ा सा पानी। इसमें मैंने एक बर्तन रखा है। अब हम जो आटे की हमने पोटली बनाई है उसे इस बर्तन में रख देंगे और बर्तन को हम ढक देंगे। अब हम कुकर में लगभग 10 से 12 सीटी लेकर आटे को अच्छे से पका लेंगे। देखिए, हमारा कुकर ठंडा हो गया है। इसमें मैंने लगभग 10 से 12 सीटी ली है। पहले 3 से 4 सीटी मैंने पहले तेज फ्लेम पर ली थी, उसके बाद मैंने फ्लेम को कम करके फिर 5 से 6 सीटी लिए। टोटल हमने इसमें 10 से 12 सीटी लेकर आटे को अच्छे से पका लिया है। आटे की पोटली को हम खोल लेते हैं और इस तरीके से हम पहले आटे को छलनी से छान लेंगे, जिससे इसमें कुछ मोटा हो तो अलग हो जाए। आटे को हमने छान लिया है। अब हम इसमें कुछ मसाले डालेंगे। 2 टेबल स्पून तिल, जो सफ़ेद तिल होती है, वो डाल रही हूँ। नमक स्वाद के अनुसार। 1 टेबल स्पून सौंफ। 1/8 टीस्पून हींग। 1 टेबल स्पून हरी मिर्च का पाउडर। मिर्च के पाउडर की जगह पर आप लाल मिर्च का यूज़ भी कर सकते हैं। लाल मिर्च का पाउडर, हरी मिर्च का पाउडर भी मैंने घर पर बनाया है। कैसे बनाते हैं इसका भी मैंने वीडियो बनाया है, जिसकी लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे रखी है। अब हम इसमें डालेंगे मोयन के लिए 1 टेबल स्पून मलाई, जो नॉर्मल हम घर में दूध से निकालते हैं मलाई, वही डाल रही हूँ मैं। सभी मसालों को हम आटे में अच्छे से मिक्स कर लेते हैं। आटा हमारा जितना अच्छे से बफा हुआ होगा, उसमें हमें मोयन की बिल्कुल भी आवश्यकता नहीं होगी। बस छोटी सी चम्मच से हमने मलाई डाली है, जिससे ये और भी अच्छी खस्ता और कुरकुरी बनेगी। ध्यान रखें, बस आप आटे को अच्छे से बफा लें। अब हम आटे को थोड़ा थोड़ा पानी डालकर गूंथ लेंगे। चकली के लिए हमने एकदम सॉफ्ट डो तैयार कर लिया है। इतना आटा लगाने में हमने 1 कप पानी का इस्तेमाल किया है। अब हम चकली के डो को 10 से 15 मिनट के लिए रेस्ट करने रख देते हैं। 10 मिनट हो गए हैं, हमारा जो आटा है वो अच्छे सेट हो गया है। अब हम इसकी चकली बनाते हैं। चकली बनाने के लिए मैंने यहाँ पर एक सांचा लिया है। इसे हम पहले तेल लगाकर चिकना कर लेते हैं। इस तरीके से चकली की जाली होती है इसमें, उसे हम इसमें लगाएंगे। थोड़ी सी लोई हम तोड़ेंगे आटे में से और इसे हम सांचे में डालकर इसे बंद कर लेते हैं। पहले हम कुछ चकली नीचे ही बनाकर रख लेंगे। इस तरीके से मैंने पट्टे पर पेपर बिछा लिया है, इस पर हम चकली बना लेते हैं। चकली हमारी बनकर तैयार है। अब हम इसे तलते हैं। मैंने गैस पर एक कढ़ाई रखी है। तेल हमारा अच्छे से गर्म हो गया है। इसमें हम इस तरीके से चम्मच से एक एक करके चकली डालेंगे। चकली डालते समय आप तेल को पहले अच्छे से गर्म कर लें। चकली डालने के बाद आप गैस की फ्लेम को मीडियम करके इसे अच्छा सुनहरा और कुरकुर होने तक तलेंगे। चकली डालने के बाद आप कुछ देर तक कढ़ाई में चम्मच न डालें। हमारे जो तेल में हल्के से बबल्स कम होने लगे जब हम चकली को पलटी मारेंगे। अब हम चकली को अच्छा सुंदर होने तक तल लेंगे। देखिए, हमारी चकली का कलर अच्छा सुनहरा हो गया है। चकली को हम निकाल लेते हैं। इस तरीके से हम सारी चकली बनाकर तैयार कर लेंगे। देखिए, हमारी सारी चकली बनकर तैयार है। देख रहे हैं, हमने इसमें बहुत ही कम मात्र 1 चम्मच मोन से एकदम खस्ता और कुरकुरी हमारी चकली बनकर तैयार हुई है। वीडियो पसंद आए तो शेयर और सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। थैंक यू।